तो आप है जी सीरी धर्मपाल काटेलाल हैं छोरियों के बाप। अजी मन्ने ये बताओ कि आप दोनों में से छोरियों की माँ कौन है? जी मैं हूँ। अच्छा जी मैं चाची चंचल चाची, लेकिन छोरियाँ ना मुझे माँ से कम नहीं समझती, बहुत प्यार करती है जी मुझसे। अच्छा अच्छा मैं भी माँ से कम ना हूँ जी गुन्नू सत्तू की। आप तो माँ ही है। हाँ जी हाँ। ना, हम तो यूं पूछने लाग रहे थे कि रिश्तों के ओदों के हिसाब से माफी मांग सके। आपके तो भाई साहब चरणों में गिरना पड़ेगा। भाई साहब माफी, भाई साहब माफी। माफ तो ना कर सकोगे जी आप, पर कोशिश जरूर करना जी। ना बहन जी मैंने कर दिया माफ, बस ये बता दो कि माफ हुए किस लिए आप लोग हैं? हाँ जी हाँ जी, बता देते तो सही रहता, माफी किस लिए मांगी जा रही है? अब जी आप जैसे मान व्यक्ति के सामने के माफी मांगे? आपके तो जी चरण धो के पीने चाहिए। आपने हमारे निकम्मे और आवारा बच्चों को ना केवल अपनी नौकरी पे रखा, वो भी जी उनका झूठ जानने के बावजूद। हाँ जी, और अब तो आप उन्हें अपना दामाद बनाने वाले हो, अपनी छोरियों का हाथ उनके हाथ में देने वाले हो। बताओ जी कहाँ मिले हैं ऐसे मान लोग? ना जी कहीं ना। आवारा निकम्मे, किसने भेजे हो माँ बाप? एक्टिंग तो जबरदस्त कर रहे हैं। हेलो, कैसे याद किया? ना याद ऐसे किया कि तुम्हारी टांग ज्यादा लंबी हो गई है के? जी ना है जी हाँ जी तो ठीक है, लेकिन मैंने कुछ सवाल पूछे हैं। अरे टांग लंबी छोटी कैसी होगी, वो तो उतनी है। उतनी है तो दूसरों के मामलों में अड़ा क्यों रहे हो? मैंने किसके मामले में टांग, बोल क्या रही हो तुम? ये जो तुम सरप्राइज सरप्राइज खेलते रहते हो ना, इसको अपने लंदन के लिए बचा के रखो। क्या रोहतक में कुछ करना होगा ना, तो पहले मुझे बता के करो। उस दिन मेरे मुंह पे प्रपोज मार दिया और आज गुन्नू सत्तू के माँ बाप भेज दिए घर पे। अब ये बताओ कि उनको क्या बता के भेजा है? क्या माँ? सिर्फ माँ नहीं, डैडी भी साथ में आए हैं। अरे मैं वो मम्मी पापा की बात नहीं कर रहा, अपनी माँ को याद कर रहा हूँ। अब हमारे प्लान में तुम्हारी मम्मी कहाँ से आ गई? नहीं तुमने अपनी मम्मी को भी मेरा सीक्रेट ना बता दिया? ना एक काम क्यों ना करते, रोहतक दूरदर्शन से ना सारे शहर में टेलीकास्ट कर दो मेरा सीक्रेट। शट अप, बस बहुत हो गया अभी। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है और ना ही किसी को कहीं भेजा है, और तुम ये हर बात में लंदन को क्यों घुसा देती हो यार? सच बोल रहे हो तुम, तुमने किसी को ना भेजा? अरे अब क्या लंदन की कसम खाऊं तब यकीन आएगा तुम्हें? गई बफेलो पानी में। प्रमोद ने तुम्हें भेजा है क्या? फिर किसने भेजे? कोई बहुत बड़ा बंगला तो ना हो गया है? हमारे माँ बाप को कोई क्यों भेजेगा? और सुन, पता नहीं क्यों बार बार पापा जी से माफी मांगे जा रहे हैं। किस चीज की माफी? पता नहीं, बोल रहे कि हमारे बेटे आवारा है निकम्मे है। ना बहन मुझे तो बड़ी सिंकिंग फीलिंग आ रही है, ये मम्मी पापा कहाँ से और क्यों प्रकट हुए? सुन ले कि मुझे ना न्यू लग रहा है कि कुछ तो है जो आप बोलना चाह रहे हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो, है ना? देखो जी रिश्ता होने जा रहा है, जो भी बात है ना खुल के बोल दो। हा? आप क्या बताऊं बहन जी, चंचल जी आपका बेटा आपको क्या कह के बुलाता है? मम्मी कहता है जी। हमारे बेटे तो हमें ना बोले। शर्म आती है जी हमें माँ बाप बोलने में, पूरे हाथी बाजार को कह रखा है कि वो रामेश्वर के छोरे हैं। बताओ। वो तो हमें पता है, आपके छोरे ने झूठ ना बोला है, वो तो लोगों को गलत फहमी हो गई थी उनके बारे में। जी अगर आपकी छोरियाँ दीपिका जैसे दिखें तो लोग तो उन्हें पादुकोण साहब की छोरियाँ ही कहेंगे ना जी, अब करेक्ट तो करना पड़ेगा ना उनको। तो हमसे कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहते भाई साहब, अभी यहाँ होते तो पहचानने से भी मना कर देते। बात तो ठीक ही कह रहे हो आंटी जी आप, पर आप अचानक नहीं अपने मम्मी पापा को है, क्यों आए हैं, कहाँ से आए और कैसे आए हैं? ना बहन ये जो कोई भी है काम तो अपना ही कर रहे हैं। हाँ पापा जी के लिए ये स्टोरी तो बिल्कुल सही है,
बेटे अपने माँ बाप की इज्जत ना करते, हम ना भी आएंगे अपने बेटे इनसे। वैसे ये लोग डायलॉग तो करेक्ट बोल रहे हैं, लेकिन पापा जी का रिएक्शन करेक्ट ना आ रहा। नील बटा सन्नाटा सुनाई दे रहा है वहाँ से। ना जी, मतभेद तो हर घर में होते हैं, पर कभी कभी माँ बाप ना अपने बच्चों को पहचानने में गलती कर देते हैं और बाहर वालों को की अच्छी पहचान हो जाती। और आपके जो दोनों छोरे हैं ना, उनमें दो ऐसे गुण हैं जिसकी वजह से उनके सारे ऐबों पर पर्दा पड़ जाता है, प्रतिभा और मेहनत। इनका प्रदर्शन वो हमेशा से करते आ रहे हैं ना। ट्रेलर तो वो बचपन से ही बहुत अच्छा दिखाते हैं। ले भाई साहब, मैं यूं बोलने लग रहा हूँ कि छोरियों का ब्याह करने से पहले पूरी फिल्म जरूर देख लेना। आज ही अगर आपको सच ना बताया ना जी हमने, तो इसका बोझ सारी जिंदगी हमें अपनी छाती पे ढोना पड़ेगा जी। कैसा सच? ऐसा कौन सा सच बताया उन्हें गुन्नू सत्तू के बारे में? कहीं अपने बेटों की जेंडर रियलिटी तो ना पता चल गई? क्या बकवास कर रही है? देख बहन, मुझे तो लग रहा है कि इन दोनों को अपनी रियलिटी पता है, बस जग जाहिर करने से पहले मजे ले रहे हैं। ना ना, उन्हें कैसे पता होगा? जीजी, ये क्या कह रहे हैं? गुन्नू सत्तू ने कोई मर्डर वर्डर तो नहीं कर रखा? बोल चंचल, अपनी बेटियों की जिंदगी का सवाल है। बता दूं सच? बताना तो पड़ेगा ही जी। दिल की बीमारी तो ना है भाई साहब आपको? सत्तू जो है ना, यो गांव में माँ बाप को छोड़ के ना आए हैं। अरे ये दोनों तो उन दोनों छोरियों को भी छोड़ के आ गए जिनके साथ इनकी सगाई हुई थी। रो रो के बुरा हाल है जी दोनों छोरियों का। गौरी और शीला कहीं की ना रही जी, बताओ अब कौन ब्याह करेगा उनसे? ओ भाई साहब, यो दोनों तो बड़ी ऊंची चीज निकले ना, मतलब कम तो मैं भी ना हूँ। विश्वास तो मैंने भी नहीं किया था इनका, भाई साहब भी पीछे जा रहे थे। अरे मार काट मचा दी इन्होंने तो। जो एक्सीट ही नहीं करती वो टैपनिंग। ना ना, यो कोई अलग गेम खेल रहे है। शादी तोड़ो नाम ना है इस गेम का। ये तो घर दुकान मोहल्ला रोहतक हर जगह से गुन्नू और सत्तू को गेट आउट करवाएंगे। उससे पहले मैं इनके साथ तो कोई इनके मुंह से गेट आउट ना करवा दूं। रुक, कपड़े बदल। क्यों? अरे गुन्नू और सत्तू को खुद जाके बताना पड़ेगा ना कि उनके माँ बाप ना है। भाई साहब आप यूं देख लो कि कभी आपकी छोरियों के साथ भी सेम ना हो जाए। माना कि छोरे हमारे हैं, पर आपकी तरफ भी तो हमारा कोई फर्ज लागे है। अब तो जी आप हमें क्या चाय पूछोगे जी? ना डिजर्व ही ना करते जी हम सब। अरे जब तक हम ये जेंडर चेंज करेंगे ना, तब तक वहां कांड हो जाएगा, तो फिर भाग। अच्छा जी, आप सबको मिलकर बहुत अच्छा लगा जी। बहुत धन्यवाद। हो गया जी, निकल रहे हो आप लोग? मेरे को शगुन के फ्रूट ड्राई फ्रूट लाने में थोड़ा टाइम लग गया। लो जी। वो भाई साहब छोरियां नहीं आई अभी तक? अरे रोज सब भूल जाता है, आज टोकरा बड़ा याद रहा तने। ये तो अच्छा हुआ गरिमा सुशीला ना आई अब तक। भाई साहब हो क्या रहा है, मेरे समझ नहीं आ रही बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। बहन जी, तुमने शगुन की टोकरी क्यों वापस ले ली? नमस्ते पापा जी। नमस्ते मम्मी जी। अरे अरे गरिमा, पैर छू, हमारे होने वाले सास ससुर है ये। हाँ। अरे अपने होने वाली बहुओं को आशीर्वाद दिए बिना ही चले जाएंगे? ना ना, दो घड़ी रुक जाइए, अपनी होने वाली बहुओं को अपनी सेवा करने का एक मौका तो दीजिए। अरे ये निकल ही रहे थे। पर हमसे तो बातचीत भी ना हुई।
अरे बेटे, बातचीत करने को रही क्या गया है? अब तो शादी वैसे भी नहीं होनी। ऐसी ऐसी बातें बताई ना उन्होंने गुन्नू और सत्तू के बारे में कि मेरे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। पता नहीं अब तक खड़ी कैसे हूँ मैं। करीमा दीदी, सुशीला दीदी, इन दोनों की नजर में तो गुन्नू सत्तू विलन है और वो भी करेक्टर लेस वाले। अरे कोई मन ने भी बताया होगा ये हो के रहा है। अरे सौ बात की एक बात है, गुन्नू सत्तू इन छोरियों के लायक ना है। और ये बात कोई ऐरा गैरा ना कह रहा है, उनके माँ बाप ही कह रहे हैं। भाई साहब धन्यवाद आपका। ना जी वो कोई बात नहीं जी, ये तो मेरा फर्ज था जी। मानवता नाम की कोई चीज होती है ना जी, आप तो ना इन छोरियों के भविष्य की खातिर जो भी फैसला लो सोच समझ के लेना। हाँ जी भाई साहब, आपकी इन छोरियों का फ्यूचर इन नाउ इन योर टू हैंड्स भाई साहब। अच्छा जी चलते हैं। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, रुक जाइए जरा, हम भी तो जान ले कि यहाँ ऐसी कौन सी लूटो खेली जा रही है कि कभी हमारी शादी फिक्स हो रही है, कभी कैंसिल हो रही है और हमसे कोई पूछ भी ना रहा। अरे इन्हें जाने दो, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। हाँ। मैं भी जानना चाहता हूँ भाई साहब ये हो क्या रहा है। अरे आपको मैं बता दूंगी। अरे क्या पापा, इतने मुश्किल से तो मन मनाया था, आपके ऑर्डर के सामने सर झुकाए थे, गुन्नू और सत्तू से शादी के लिए राजी हो गए थे और अब आप कह रहे हो कि शादी कैंसिल। ना हमें भी तो क्लोजर मिलनी चाहिए ना। क्लोजर अंग्रेजी है भाई साहब, क्लोजर का मतलब है मन की शांति के लिए सच का बाहर आना। और पापा जी ये शादी कोई गुड्डा गुंडी का खेल थोड़ी है कि आज हो रही है कल नहीं हो रही परसों फिर हो रही है ना। जरा हम भी तो जान ले कि इन लोगों ने ऐसा गुन्नू सत्तू के बारे में क्या बताया जो हम नहीं जानते। हाँ पापा, इतने बुरे तो ना हो सकते गुन्नू और सत्तू। हाँ मतलब हम भी तो थोड़ा बहुत जानते हैं ना उन्हें। भाई साहब बहन जी आप अंदर आके बैठ जाइए, तसल्ली कर लेने दीजिए छोरियों को। आइए चलिए पापा जी, चलिए चलिए मम्मी जी, चलिए ना अभी तो बात करनी है। चलिए 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 आइए आइए। आपको जी बढ़िया मसाले वाली चाय पिलाते हैं, मसाला मैंने खुद बनाया कूद के। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि कहानी में ये ट्विस्ट आया कहाँ से। ना पूरी दुनिया में ये ढिंडोरा पीट दे कि काटेलाल एंड सन्स के घर का एक सपूत रसोईया है। चाचा ट्विस्ट अभी तक खत्म ना हुआ है। ना जी जो हमारे गुन्नू और सत्तू है ना जी, उनके गाँव में ना जी मांगनी हो गई है। हा? गौरी और शीला से। वो पापा ये हमें गुन्नू और सत्तू ने ही बताया था। हाँ और यो भी बताया था गुन्नू और सत्तू ने पापा कि यो मंगनी उन्होंने अपने माँ बाप के प्रेशर में आकर करी है। हाँ और यो प्रेशर ना बहुत ही भैया चीज है पापा जी, अच्छे अच्छों की ना बैंड बिट जाती है। ना तुम उन दोनों को उनके माँ बाप से भी बेहतर जानते हो। अब नहीं नहीं पापा, मैं तो बस यो ही कह रही थी कि मतभेद तो हर घर में हो जाते ना पापा, कभी कभी माँ बाप अपने बच्चों को पहचानने में गलती करते और बाहर वाले उन्हें अच्छे से पहचान जाते हैं। वो करीमा दीदी वो ताऊ जी का डायलॉग ताऊ जी पे चिपका दिया। ऐसी बात बिल्कुल ना जी, हम जी अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानते हैं जी, बहुत अच्छे से। हाँ जी अब माँ बाप अपने बच्चों को नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा जी है। अच्छा फिर ये बताइए कि गुन्नू और सत्तू में से बड़ा कौन है, मतलब हम तो पूछ पूछ के परेशान हो गए। हाँ अब आप ही बता दीजिए। गुन्नू। लो जी इनको तो माँ बाप हो गए भी क्लियर ना। ना जी ऐसी कोई बात ना है, वो कह जी मैं तो उम्र की बात करने लग रहा था और यो कदनापन लग रही थी। हाँ जी पहली बॉल पे हिट विकेट होते होते बचे दोनों, करीमा दीदी की स्पिन बॉल की तो तारीफ करनी पड़ेगी, लेग पे टिप्पा का के जो ऑफ में टर्न हुई है ना बॉल, वाह 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 वाह। तेरी दीदी क्रिकेट नहीं खो खो खेल रही है,
जैसे ही उठने जाते हैं खो बोल देती है। अच्छा ठीक है छोड़ी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह 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 गरिमा बेटे, ये तो बिल्कुल ना कौन बनेगा करोड़पति वाला मजा आ रहा है। हाँ पूछ पूछ एक और सवाल पूछ। हाँ दादी, ये रहा अगला सवाल आपके मुंह पे। तो देव्य और सज्जन, गुन्नू और सत्तू में से सोते हुए खराटे कौन लेता है और लात कौन मारता है? वैसे तो अभी अभी इतनी बुराई कर रहे थे, अब तो ऐसा लगता है अपने बेटे को जानते ही ना है। जी वो सत्तू सोते हुए लात मारता है जी। हाँ जी, और गुन्नू ना जी खराटे मारता। हाँ जी। गलत जवाब। तो क्या कही थी उन्होंने गरिमा? बिल्कुल विपरीत, गुन्नू लात मारता है और सत्तू खराटे लेता है। काफी आउट ऑफ टच लग रहे अंकल जी अपने बेटों से, नहीं पापा जी? नहीं ये तो सीधी बात है भाई साहब, इतना तो पता ही होना चाहिए माँ बाप को। मरने तो अपने दोनों बेटियों के सारे कांड पता है। अच्छा आप लोगों की लास्ट कब बात हुई आपके बेटों से? ये आपकी भतीजे है ना, जरूर कोई कांड कर रही है। चेहरे देखो इनके, कैसे गुलाब की तरह खिल रहे हैं। चंचल ये भतीजियां तेरी भी हैं, हमेशा इन पर शक ना किया कर, आजकल वो काम मेरा ना। आप लोगों ने बताया नहीं, ये पूछ रहे हैं कि अपने बेटों से लास्ट आपकी बात कब हुई थी। देखा मुझे याद है जी, कल ही हुई बात, तो कल बात हुई थी जी, कल बात। हाँ जी मेरी तो आज भी हुई थी जी। अच्छा सुशीला, घना कंफ्यूजन लग रहा है। पुत्तू जरा गुन्नू जी और सत्तू जी को फोन लगाना, आने ही वाले थे ना आधे घंटे में, कहा तो था आप नहीं आए। पूछ जरा फोन कर दो अंकल। ओह माय गॉड माय फोन बैटरी इज डाइंग। आंटी जी आप ही कर लीजिए ना अपने बच्चे का फोन। ही करिए। नंबर तो ना है आपके पास अंकल जी, फोन कैसे लगा रहे हो? कर रहा हूँ जी। ना जी बच्चे फोन ना उठा रहे जी। कोई बात नहीं अंकल जी, मैं फोन लगा देती हूँ। मेरा फोन देना पुत्तू। यस हाँ ये तो फोन उठा लिया। हाँ जी गुन्नू जी कहाँ पहुंचे आप? आपके मम्मी पापा यहाँ पर कब से इंतजार कर रहे हैं आपका। अच्छा अच्छा यही बाहर गली में ही हो। जी जी ठीक है जल्दी आइए। आई गए बस अंकल आंटी जी। ना जी ना हम बच्चों से बाद में बात कर लेंगे जी, हम चलते हैं जी। अरे जा रहे हैं अभी गुन्नू सत्तू आ ही रहे हैं। हाँ जी बात करना तो बनता है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, मेरे भाई साहब इंसान को पहचानने में गलती ना करते हैं। बिल्कुल सही कह जा रहे हैं तो जाने दो ना, क्यों उनके पिछड़े में पड़े। ना जी हमारे बच्चों से हमारा कोई कंफ्यूजन ना है जी, अगर कोई कंफ्यूजन होगा भी ना जी हम निपटा लेंगे जी अपने बच्चों से बात करके। जनाब भाई साहब फिलहाल में तो यहाँ से कहीं कोई ना जा रहा है, गुन्नू सत्तू आ रहे हैं, हमारी उसके बाद आपस में बातें होगी, उसके बाद ये सुंदर कांड खत्म होगा ना भाई साहब। अरे आंटी जी अंकल जी बैठिए, अभी हमारी बात पूरी कहाँ हुई है। हाँ जी बैठिए बैठिए, मैं आपके लिए मसाले वाली चाय बनाता हूँ। यहाँ पे सबको आपकी असलियत पता है, एक बार चारों तरफ देखिए सब आपको नॉर्मल लग रहे हैं ना। ध्यान से देखिए सब समझ आ जाएगा।
सब लोग गुन्नू सत्तू के आने का इंतजार कर रहे हैं अंकल जी। बस एक बार बात कंफर्म होती उनके नकली माँ बाप की पैंट बजाने की पूरी तैयारी है। आप ही के लिए तेज किया जा रहा है अंकल जी। वो देखिए चाचा जी, वो तेल उबाल रहे हैं। वो क्या है ना, किचन की चीजों से लोगों को टॉर्चर करने में उन्हें बड़ा मजा आता है। हाँ, वो अली बाबा 40 के फैन है ना। और ये मेरी भोली सी माँ की सूरत देख रहे हो, ये दिखती बड़ी भोली मासूम सी है, लेकिन अगर इनका हाथ उठ गया ना तो इंसान फिर उठ ना पाता। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.